किधर आई हो? हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। कल शाम के टाइम पे हस्बैंड जी आए थे, और जो है नवाफ और नुआ के लिए, ये जो है नवाफ के लिए कुछ लेके आए थे, नुआ के लिए एक बैलून एंड एक वो जो होता है प्लास्टिक का जो होता है, क्या बोलता है सबको, ये पता नहीं क्या जो भी बोलता है। तो ये एक एरोप्लेन था और एक बैलून था, तो दो अलग अलग चीज था। तो इस चीज को लेके काफी पहले तो दोनों में झगड़ा हुआ। देन अब क्योंकि हमारे जो जहाँ पे है लोकल, वहीं पे ऐसे हमारा तो यहीं पे मिल रहा था। तो फिर जाके अब्बा जो है थोड़ी देर बाद, मतलब तो थोड़ी देर बाद क्या, लोग लड़ाई देख के अब्बा गए। अब्बा जाके फिर नुहा के लिए भी लेके आया एक, और एक डोरेमोन टाइप का जो है वो लेके आया। फिर दोनों ने ये खूब सारी मस्ती की। एंड जो है वो फिश 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 था, सॉरी एरोप्लेन था, जो वो एरोप्लेन था वो थोड़ी देर बाद नुहा ने फोड़ दिया, नवाफ ने सॉरी। और उसके हे बाद गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नवाब नहीं जा रहा हमारे साथ, हम जा रहे हैं अभी। पहले हमने सोचा था कि हम इस्लामपुर जाएंगे और कुछ काम था, तो फिर हमने सोचा क्या हुआ, नुआ को पकड़ के रखे भाई एक। उसके बाद फिर हमने सोचा कि किशनगंज पास में पड़ता है, तो हमने सोचा कि किशनगंज चलते हैं। तरह से उसको भी करना पड़ा, वो भी जाने के लिए 7-15 था, बट मैं उसको लेके नहीं जाना था क्योंकि हम लोग जा रहे हैं स्कूटी से, और धूप भी काफ़ी है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसको लेके नहीं जाना था मैं। और नुआ मेरे बगैर एक बार गए थे हम लोग ईद के टाइम, उसको छोड़ के तो बहुत बुरा फंस गए थे, बहुत रो रही थी, और बिना कुछ किए फिर उनको हड़बड़ हड़बड़ आना पड़ा था। तो इसी वजह से जो है नुआ को साथ में लेके जा रहे हैं। सो गाइस, मैं ना यहाँ पे ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि हमारे इधर का रास्ता भी कुछ खास सही नहीं है। तो पहुँचते हैं, उसके बाद बाकी सारे बातें करते हैं, आगे आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल के साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस काम से गए, जो भी बातें हैं वो आगे करेंगे। और नवाब का भी रिएक्शन जो है आगे ही दिखाएंगे, कैसा रिएक्शन था। अभी उसके लिए ना वैसे उसका बर्थडे है, वो हम बता देते हैं, थोड़ा सा उसका बर्थडे है, बर्थडे में अभी टाइम है, बट फिर भी हमें उसका गिफ्ट का जो है प्रिपरेशन करना है, तो देखना है आज क्या ले सकते हैं, तो इसी के लिए बस जा रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ काम है, तो वो सारी बातें 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 बाद में करेंगे, है ना, क्योंकि मेरे साथ मेरी बच्ची भी है। ओके गाइस, मिलते हैं बाद में। काम जो है वो हमारा हुआ नहीं, हम गए थे जो है कुछ सामान लाने के लिए अम्मा का स्कूल के लिए, तो वो चीज़ हमें मिला नहीं क्योंकि वो बिहार पड़ता है किशनगंज, और जो है इस्लामपुर, तो हम लोग हैं एक्चुअली बंगाल से, तो वो बंगाल का जो चीज़ है वो वहाँ पे नहीं मिला। काफ़ी सारे दुकान पे देखे, कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि जब आई हूँ तो कुछ खरीद ही लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत दिन से ऐसे शूज़ लेने थे, चप्पल लेने थे, तो फिर मैंने सोचा कि जब आए हैं तो ले ही लेते हैं। तो फिर जो है मैं लेने के लिए गई और मुझे दो पसंद आया, उसके बाद मैंने दो लिया। उसके बाद फिर हम गए थोड़ा स्टाइल बाजार के तरफ, और मैंने सोचा था कि नुहा के लिए भी कुछ लूँ, और काफ़ी सारे ऐसे देखने के बाद मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने नुहा के लिए जो है बस एक ले ली, कुछ खास नहीं है वो, बस एक ले ली। क्योंकि मैं घुसी थी अंदर, बहुत सारे खिलौने वगैरह 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 भी देखे, बट पसंद आने रहा था। और ये वाला ढोल मैंने उसको लगा के दिया था, ढोल तो वैसे भी मुझे लेना था ही नहीं इस तरह का डुमरू डमरा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्या ही बताओ, लेके ये लोग खेलता नहीं, कि मेरे पास पहले से ही इस तरह के खिलौने हैं, और इन खिलौनों का तो कोई काम होता नहीं है, बस एक ही काम होता है। मैंने वैसे भी मैंने सोच ही लिया कि मैंने अब खिलौना खरीदना ही नहीं है, और जब भी अगर खरीदना है तो एक तो बिल्कुल नहीं खरीदना है, हमेशा मुझे दो चाहिए, एक अगर मैं कोई भी खिलौना लूँ ना एक। उसके बाद हम गए यहाँ पे साइकिल का शॉप पे,
या फिर जो भी है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें ना साइकिल लेना था नवाब के लिए। ये इस पे दादा बहुत दिन पहले से एक साइकिल देख के रखे थे और बोले थे कि मैं नवाब के बर्थडे पे यहाँ से साइकिल लेके दूंगा। तो इसी वजह से हम गए। और इस वीडियो को जब मैं शूट की थी ना, मैंने तभी सब कुछ कर लिया था, वॉइस ओवर वगैरह जो भी होता है। तो फिर मैं जब घर आई, जब एडिट करने बैठी, तो मुझे पता चला इसमें इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन था कि क्या ही बताऊँ। तो मुझे फिर इस पर दोबारा से काम करना पड़ा। यहाँ पे मैं साइड मांग रही थी क्योंकि इस जो है दुकान में बस साइकिल से भर गया रास्ता, बोले तो है ही नहीं। और फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद साइकिल पसंद कर रहे थे। ये बहुत छोटा सा था, इसका हम लोग को बोल रहा था, इसका प्राइस बोल रहा था 1600, और छोटा सा था तो ये कुछ खास पसंद नहीं आया। तो हमें एक पसंद आया जो कि थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, और जो था वो था 2300 का। तो दादा ने कहा कि ये वाला लेते हैं, तो वो हमने और जो है लेने के लिए फाइनल भी किया। और तो फिर जाके बहुत पहले सोच रहे थे कि दादा जब जिस टाइम पे लेने का एक बार सोचे, तो दादा को तब इसका प्राइस बोला गया था 1600 और 1800 के आसपास बोला गया था। और अभी जो है हम ना कार लेके आए नहीं है, तो दादा पहले सोच रहे थे कि अभी प्लान कर रहे हैं कि स्कूटी में लेके जाना है, तो वही वाला देख रहे हैं कि कैसा है, जाएगा कि नहीं जाएगा। पहला था इस बार का जो ये है, ये थोड़ा सा मोटा है बोल के, ये इसलिए ज्यादा इसका रेंज है। तो फिर यहाँ पे ना दादा ने कहा ठीक है, ले चले जुगाड़ बता रहे हैं कि स्कूटी से हम गए थे, उन्होंने कह रहे हैं कि लेके जा सकते हैं, थी लेके जाया जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन बैठने में मुझे लग रहा थोड़ा सा दिक्कत होगा। सामने रखने के बाद ना ऐसा हुआ था कि बैठने का ही जगह नहीं मिल रहा, तो मुझे लग रहा है। फिर भैया कह रहे थे कि जो साइकिल का जिसका दुकान है जो भी काम करता है, तो वो कह रहे थे कि पीछे बांध देता हूँ, पीछे बांध के चले जाओ। मैंने सोचा यार अगर पीछे बांध देता हूँ, लुहा है और लुहा इसकी तंग करती है जबकि वो गाड़ी में बैठती है ना, तो इसके साथ बैठना मतलब बहुत ही खतरों की खिलाड़ी है मेरी बेटी। क्या ही मतलब इतना तंग करती है वो, आज इसके साथ आते ही आते मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मैंने सोच लिया अब भाई कुछ भी हो जाए स्कूटी पे उसके साथ नहीं जाना चाहिए, स्कूटी सर पे जो है बैठ गए ऐसे पैर को ऊपर मतलब पहाड़ पे जैसे चढ़ता नहीं है, चढ़ के वो कंधा के ऊपर लगता है बैठेगी, और इतना जोर जोर कर रहे थे मेरे ऊपर कि मैं तो भाई तोबा कर ली, तोबा नहीं है लेके जाना उसको। फिर हम लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल के हमने कहा कि चलो आज नहीं लेते, वैसे भी बंद में अभी टाइम है, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन लेके जाएंगे। फिर बोला कि चलो ठीक है। फिर हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ से निकलने के बाद जो है पानी भी पीना था, एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब बहुत देर पहले ही गए थे तो भूख भी लग रही थी। तो यहाँ पे पेस्ट्री ऑर्डर किया था और कुछ आइसक्रीम, तो नुहा को मैंने ना पेस्ट्री खिलाना था कि मैं उसको पेस्ट्री खिलाऊँ और थोड़ा सा खा ले कि तो हो। वहाँ पे कुछ और हमने मोमो का भी ऑर्डर किया था, बट मोमो आने में काफ़ी टाइम लग रहा था और गर्मी भी इतनी तेज़ थी ना कि बाहर बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। और जो है अंदर में पता नहीं कुछ कर रहा था वहाँ पे, तो अंदर में बहुत ज़्यादा छांस आ रहा था कोई चीज़ का, तो इसी वजह से हम यहाँ पे बाहर आके बैठे। और जो है तो मोमो बनने में टाइम लग रहा था, तो हमने मोमो को कैंसिल ही किया। उसके बाद थोड़ा सा पेस्ट्री खाया और जो है नुहा को खिलाने की कोशिश की, बट वो आइसक्रीम देख के आइसक्रीम लेके बैठी रही। उसके बाद फिर हम लोग निकले वहाँ से, निकल के फिर घर आए। और बाप रे बाप, घर जब रास्ते में जब आए तो बहुत कुछ बहुत कुछ नुहा के साथ बहुत तंग कर रही थी। फिर जैसे तैसे घर आके फिर वो आइसक्रीम लेके बैठ गई। और यहाँ पे नवाब जो है, नवाब ने भी आइसक्रीम खाना था, तो मैंने कहा बेटा मेरे लिए भी चम्मच लेके आओ, तो यहाँ पे वो दो चम्मच लेके आए, एक मेरे लिए एक अपने लिए। उसके बाद गाइज आज का ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। और आप सबको अगर वीडियो जो भी देखते हो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर पहली बार कोई ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा गाइज, क्योंकि आप लोग का लाइक से जो ना दिल को इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि क्या बोलूँ। हाँ आप लोग का बहुत सारे लोग ये सब बात सुन के बहुत गुस्सा आता होगा जब बुलाया था चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो, ये सब चीज़ सुनने का मन नहीं करता है, क्योंकि जिसको लाइक करना है सब्सक्राइब करना है वो मेरे बोलने से आप लोग नहीं करोगे, वैसे ही करोगे। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।